और सच्चाई ये है, जैसे हरियाणा में जाट समाज के खिलाफ सब लोगों को भड़काती है बीजेपी, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के खिलाफ भड़काने का काम बीजेपी करती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रमाण मैंने खुद देखा है, वो है नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में। कांग्रेस ने कहा है ऐसी सूचनाएं उनके पास हिसार से भी है, पानीपत से भी है। आरोप ये है कि कुछ काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हम बात करेंगे स्वराज इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव लंबे समय से राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। मिशन एक ही रहा है, भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। हरियाणा में भी उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। योगेंद्र यादव ने चुनाव से पूर्व राहुल गांधी के साथ भी मंच साझा किया था, एनजेपी हरियाणा से भी बातचीत की थी। अब चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने ईवीएम पर उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हम आपको इस वीडियो में पहले योगेंद्र यादव की एनजेपी हरियाणा से चुनाव से पूर्व हुई बातचीत के प्रमुख अंश सुनवाते हैं, इसके बाद राहुल गांधी के मंच से कही गई उनकी बात सुनवाते हैं और सबसे अंत में परिणाम के बाद उनकी वायरल वीडियो सुनवाते हैं। पहले एनजेपी से हुई बातचीत में कांग्रेस की जीत को लेकर किए गए उनके दावे को सुनते हैं। हरियाणा की जो बड़ी तस्वीर है वो मैं कहता हूं, हरियाणा में तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना कि बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में हवा है, दूसरी संभावना कि हवा नहीं आंधी है, और तीसरी संभावना कि ये सुनामी है। मतलब है जरूर, वहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला बताता। मतलब आपने एक लाइन में ये तो कह दिया कि कांग्रेस आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए ये कोई अब मीडिया में टीवी में खास तौर पे वो रहता है आखिरी दिन तक सस्पेंस बना के रखना, किंतु परंतु ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन मोटी बात ये है कि इस बार हरियाणा की जनता ने चुनाव शुरू होने से पहले ही मन बना रखा था कि भाई अब बदलाव चाहिए। आपने योगेंद्र यादव की एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य से हुई बातचीत सुनी। अब हम आपको राहुल गांधी के मन से महेंद्रगढ़ में दिए गए उनके भाषण के प्रमुख अंश आपको सुनवाते हैं। और सच्चाई ये है, जैसे हरियाणा में जाट समाज के खिलाफ सब लोगों को भड़काती है बीजेपी, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के खिलाफ भड़काने का काम बीजेपी करती है। ये बात गांव-गांव तक पहुंचाना आप भाई, ये किसी के सच्चे नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी के सच्चे हैं। भाई भाई को भिड़ाने वाले लोग हैं, हमें इसके चंगुल में नहीं आना। बस एक आखिरी बात और, इस इलाके में लूट झूट और फूट के अलावा एक समस्या और है, यहां राजशाही भी है। कड़वी बात है मैं कह दूं, हमारी बहन अनीता बैठी हैं, ये अटेली वाली हैं, ये राजशाही खत्म करेंगी ऐसी मेरी उम्मीद है। सबसे अंत में अब सुनिए योगेंद्र यादव ने चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस की अप्रत्याशित हार को लेकर क्या कुछ कहा। जितने भी रिपोर्टर, एडिटर, संवाददाता, जिसने भी बोला, जिसको भी मैंने सुना या पढ़ा, एक भी नहीं मिला। आप आज भी पलट के देख लीजिएगा, अगर एक भी व्यक्ति ने कहा हो कि बीजेपी की मेजोरिटी आ सकती है, तमाम एग्जिट पोल ने भी ये कहा, एक भी एग्जिट पोल नहीं है जिसका न्यूनतम वाला जो आंकड़ा है वो भी कहता हो कि कांग्रेस 45 से नीचे जा सकती है। मगर ये सब गलत हो सकते हैं, हम तो गलत हो ही सकते हैं, इंसान है, गलती हो सकती है, एग्जिट पोल तो गलत होते ही, मैंने खुद ही साबित किया कि गलत है। मगर आज शाम को जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस में, वहां के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रमाण दिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रमाण मैंने खुद देखा है, वो है नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में। कांग्रेस ने कहा है ऐसी सूचनाएं उनके पास हिसार से भी है, पानीपत से भी है, और कहा है कि कल तक वो इस सारी सूचना को सार्वजनिक करेंगे। आरोप ये है कि कुछ काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद।
अब इतने घंटे काम करने के बाद 99% बैटरी क्यों थी, और जिन बैटरीज में 99% बैटरी पाई गई वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी अपेक्षाकृत दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंस दूसरी ईवीएम के जहां बैटरी कम थी। मतलब अनकहा आरोप यह है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया है। अभी गंभीर आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सच है, हमारे पास अभी कोई प्रमाण इतना नहीं है उसको जांच करने का। चुनाव आयोग का जवाब भी मैंने पढ़ा, वो इतना टेक्निकल है कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, बैटरी और ये सब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मामला गंभीर है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं ये कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस सब के बारे में देश को आश्वस्त करे, चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो, और जनता को दिखे कि निष्पक्ष है, दोनों जरूरी है। ये चुनाव आयोग कुछ समय से ऐसे काम नहीं कर रहा है, जनता के सामने पूरी स्थिति साफ करना। लोकसभा चुनाव के अंदर भी जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए दोनों में अंतर था, चुनाव आयोग ने आज तक स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है।